वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी टेबल ट्रीट। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि आप अभी वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं है, तो उसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूंगी। मेरे घर में एक्चुअली एक फंक्शन था जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा एंगेज हो गई थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। बट अब जो है वो वीडियो कंटिन्यूटी में रहेगा, बिल्कुल हर हफ्ते जैसे रेगुलर वीडियो अपलोड होता था वैसे ही अपलोड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी देख लेते हैं। हमारी जो आज की रेसिपी है वो वेज हक्का नूडल्स की रेसिपी है, जो हम स्ट्रीट वेंडर स्टाइल में बनाएंगे। जैसे उनके नूडल्स एकदम खिले खिले रहते हैं ना, हम बिल्कुल उसे वैसे ही बनाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, आप उसको फॉलो करिए। अगर आप इस तरह से नूडल्स बनाएंगे तो आपके नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे और बहुत अच्छे और खिले खिले बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जल्दी से देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने पानी बॉईल होने चढ़ा दिया था, मेरा पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें अपना नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स को हम हल्का सा बीच से क्रश करके उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको लंबे पसंद है तो आप क्रश किए बिना पानी में डाल दीजिए। नूडल्स ऐड करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून के अप्रॉक्स ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से फ्रेंड्स जो ये हमारा नूडल्स है वो स्टिकी नहीं होगा ज़्यादा। हमें नूडल्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमें इसे सिर्फ 80% कुक करना है। जब ये हल्का सा कच्चा रहेगा तब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। हमारे जो नूडल्स है फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट 80% कुक हो गया है। मैं इसे एक बार स्पून से कट करके देख लेती हूँ। हमारा जो नूडल्स है वो परफेक्ट एकदम कुक हो गया है फ्रेंड्स, हमें इसे एकदम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इस टाइम पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके नूडल्स को स्ट्रेन कर लूँगी और इसे ठंडे पानी से धो के एक प्लेट में अच्छे से स्प्रेड करके रखूँगी। मैंने नूडल्स को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने इसे एक प्लेट में स्प्रेड कर दिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये हमारा नूडल्स जो है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे अब और आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम एक पैन गरम करेंगे। मैंने पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आप खाते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है फ्रेंड्स, अब हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 4 to 5 गार्लिक्स का यूज़ किया है, इसे हम ऐड कर देते हैं। गार्लिक ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 2 ऑनियन को चॉप कर लिया है लंबा लंबा, आप अपने पसंद के कोई भी आकार में इसे कट कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें बस इसके हल्का सा सौते करना है ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे तो फिर जो वो चाउमीन का मज़ा रहता है ना फ्रेंड्स, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमारे जो ऑनियंस है वो हल्के से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। इस स्टेज में मैं यहाँ पर कैप्सिकम ऐड कर देती हूँ, इसे भी मैंने लंबा लंबा फाइनली चॉप कर लिया था। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें तुरंत गाजर ऐड कर देते हैं, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। इसे मैं कवर कर देती हूँ लिड से। 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, अब मैं लिड हटा के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज में हम यहाँ पे ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 3 ग्रीन चिलीज को लंबा लंबा अच्छे से चॉप कर लिया है। ग्रीन चिलीज को लंबा लंबा चॉप करने से फ्रेंड्स जो चाउमीन में जो टेस्ट है ना वो उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने इसे लंबा लंबा चॉप किया है। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स है वो हाफ कुक हो चुका है फ्रेंड्स, हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। इस स्टेज में हम सारे मसाले और सॉस ऐड कर देंगे।
मसालों में सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चिंग्स का चौमिन हक्का नूडल्स मसाला लिया है। मैंने जिस कंपनी का नूडल्स लिया था उसी कंपनी का मैंने ये मैं मसाला यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दो नूडल्स के पैकेट में एक पैकेट मसाले का यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं ऐड कर दूंगी। ये मसाले में फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऐड रहती है, इसीलिए मैं अलग से ब्लैक पेपर वगैरह या ग्रीन चिली या रेड चिली मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद कर सकते हैं तो आप रेड चिली या फिर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, मैं 1.5 टेबल स्पून के अप्रोक्स सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चिंग्स का हक्का नूडल्स मसाला नहीं है फ्रेंड्स तो टेंशन मत लीजिए, आप इसके जगह पे ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाल के भी इसे बना सकते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के अप्रॉक्स रेड चिली सॉस ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के अप्रॉक्स मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस यूज़ कर रही हूँ। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत लोगों को फ्रेंड्स हक्का नूडल्स में सॉस पसंद नहीं है, आप सॉस स्किप कर सकते हैं। आप इसमें अपने पसंद का कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, कैबेज हो गया, स्प्रिंग अनियन हो गया, बीन्स हो गया, आप इसमें कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, कैरेट और ऑनियन का यूज़ किया है। हमारा जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से कुक हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें अपना नूडल्स ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो नूडल्स है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और कितना अलग अलग और खिला खिला लग रहा है। सारा हम ऐड कर देंगे नूडल्स अपना। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स के साथ। आप एक स्पून या फोक के हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स, आप भी इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि जो सॉल्ट और मसाला है वो नूडल्स में इवेनली स्प्रेड हो। अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे टॉस करते हुए, फ्लिप करते हुए कुक कर लेंगे। इसे मिक्स करते समय फ्रेंड्स गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखें ताकि जो नूडल्स है वो भी अच्छे से मसालों के साथ कोट हो जाए। हमारे जो नूडल्स है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अब चलिए हम इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स हमारे जो वेज हक्का नूडल्स है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जिस तरीके से आज हमने इसे बनाया है आप भी उस तरीके से घर पे ज़रूर ट्राई करिए। ये बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगा। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है फ्रेंड्स, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।